हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन चाउस किचन। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और पास में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर देना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो बढ़ते वीडियो में आगे। तो ये मैंने 1 किलो टिलापिया फ़िश ली हूँ। आप लोग चाहे तो कोई भी फ़िश ले सकते और कितनी भी आधा किलो भी ले सकते आप लोग चाहे तो। ये मैंने 1 किलो के करीब ली हूँ। मैं इसमें से आधी फ्राई करूँगी और आधी का मैं करी बनाऊँगी। तो ये मैंने ले ली हूँ कुछ मसाले, जैसे कि मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली हूँ और हरा धनिया ली हूँ थोड़ा सा, और 10 से 12 कड़ी पत्ते की कलियाँ ली हूँ मैंने, और ये गिल्ला खोपरा है, गिल्ला खोपरा ली हूँ मैंने। इससे सालन में और करी में टेस्ट अच्छा आता है फ़िश के। और ये मैंने लहसुन ली हूँ, लहसुन को छिलटे के साथ ली हूँ मैंने। छिलटे के साथ डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक टुकड़ा मैंने अदरक का ली हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा ली हूँ। अब मैंने एक मिक्सर का भांडा ले ली हूँ। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी और अच्छे से फाइन पेस्ट बना कर ले लूँगी अच्छा सा। और हाँ, अगर आप लोगों के पास में गिल्ला खोपरा नहीं है तो आप लोग सूखा खोपरा भी ले सकते हैं, बट टेस्ट इससे थोड़ा अच्छा आता है गिल्ले खोपरे से। तो ज़्यादातर अगर आप लोग चाहे तो गिल्ला खोपरा ही लेना। तो ये देखिए, मैंने सारे मसाले एक मिक्सर जार में डाल दिए। अब मैं इसमें 2 टमाटे काट कर डाल दूँगी, छोटे छोटे से इस तरीके से कट करके मैं इसमें 2 टमाटे डाल दूँगी और इसको अच्छा सा फाइन पेस्ट बना कर ले लूँगी अब इसका, और इसको रख दूँगी साइड में। मसाले को पीस के मैंने साइड में रख दी हूँ। ये मैंने ले ली हूँ कुछ सूखे मसाले। ये है 2 चम्मच मैंने मालवनी मसाला ली हूँ, 3 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये 2 चम्मच छोटा मिर्ची पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर है 1 छोटा चम्मच, और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैंने कोकम को भीगने के रख दी हूँ। 4 से 5 कलियाँ मैंने कोकम की ली और इसको अच्छे से धोकर मैंने इसके भीगने के लिए इसको साइड में रख दी हूँ। इस पर रख दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। ये देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ ज़ीरा, छोटा आधा चम्मच ज़ीरा डाल दी हूँ। ज़ीरा जब अच्छे से तड़कने लगेगा, लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा ज़ीरे का, तब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अच्छे से तड़ हो जाएगा, कड़ी पत्ता थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने मसाला मैंने पीस के लिए ना हरा मसाला और टमाटर, वो ग्राइंड करा हुआ पेस्ट इसमें डाल दूंगी सारा। ये देखिए, ग्राइंड किया हुआ मैंने सारा पेस्ट इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, मसाला कड़ी पत्ते को अच्छे से मिलाकर एक कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं मसाले को अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं मिक्सर ग्राइंड में पानी डालकर इसमें डाल दूंगी खंगाल कर अच्छे से, ताकि मसाला हमारा जले ना, नीचे लगे ना। अब मैं इसमें डाल दूंगी सूखे सारे मसाले हमारे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, वो सब सब इसमें डाल दूंगी और अच्छे से अब मसालों को इसमें मिला लूंगी, एक कर दूंगी सब मसालों को। ये देखिए, इस तरीके से मैं मिलाते जाऊँगी। अब इसको लो फ्लेम पर मैं 10 से 15 मिनट तक पकाऊँगी ढककर अच्छे से। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं मसाले को। ये देखिए, मसाले ने ऑयल अच्छे से रिलीज़ कर चुका है, इसका मतलब मसाला हमारा एकदम रेडी है। बबल्स आने लग गए मसाले में। ये देखिए, करी का हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप लोगों को जितना पतला चाहिए, जितनी पतली थीक यानी कितनी आप लोगों को करी रखना है, उस हिसाब से आप लोग इसमें पानी ऐड करना। और ध्यान रखें थोड़ा पतला ही रखना इसको करी को, क्योंकि ना फिश डालने के बाद में करी और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट ढक दूंगी ताकि इसमें अच्छे से जोश आ जाए। ये देखिए, अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें करी में। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी ऊपर से, और ये देखिए करी में हमारे कितनी अच्छी सी तरी आ चुकी है, लाल लाल ऑलमोस्ट करी हमारी बन चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी कोकम, कोकम का पानी भी डाल दूँगी इसमें और कोकम भी डाल दूँगी। और अब मैं एक एक करके सारी फ़िश इसमें छोड़ते हुए जाऊंगी। और आधी फ़िश को मैंने फ्राई की हूँ, अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी देखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर चुकी हूँ वो रेसिपी, आप लोग जाके देख सकते। तो ये देखिए, सारी फ़िश मैं इसमें डाल दूंगी एक एक करके और अच्छे से इसको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। ये फ़िश ज़्यादा ना टाइम नहीं लेती है, बहुत जल्दी पक जाती है। इसे 5 मिनट तक का मैं हाई फ्लेम पर पकाऊँगी और फिर इसके बाद में हमारी फ़िश एकदम रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारी फ़िश कड़ी एकदम रेडी है।
तो आप लोग चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और फ़िश करी हमारी एकदम रेडी है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और टेस्ट में तो आप लोग पूछो ही मत, एक नंबर लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और ये फ़िश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए, बहुत जल्दी पक जाती है ये फ़िश। ये देखिए तरी कितनी मस्त आई है हमारी करी में। और आप लोग चाहे तो अगर आप लोगों को ज़्यादा थिक चाहिए तो थिक रख सकते और पका सकते हाई फ्लेम पर। इसका करी को थोड़ा और थिक कर सकते, मुझे इतना ही चाहिए तो मैं अब इसको बंद कर दूँगी, गैस को ऑफ़ कर दूँगी और सर्व करूँगी। ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी सिंपल सी फ़िश करी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।